अगर आप कंप्यूटर यूज करते हैं तो आपने इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर के बारे में सुना होगा और ऐसा भरोसा भी करते होंगे कि यह हमारे इंटरनेट की स्पीड को 5 गुना 10 गुना 20 गुना तक बढ़ा देती है। तो इस वीडियो में आज हम इसकी रियलिटी के बारे में बात करेंगे कि इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर है क्या, क्या वाकई में यह हमारे इंटरनेट की स्पीड को 5 गुना 10 गुना 20 गुना तक बढ़ा देती है। तो बने रहिए आप हमारे साथ इस वीडियो में। नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम अविनाश है और आप देख रहे हैं AK इन्फो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। अक्सर हम चाहते हैं कि हमें फास्ट डाउनलोडिंग स्पीड मिले और इसके लिए हम इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर का यूज करते हैं और ये हमें एक बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन के तौर पे मिलता है। और कुछ फ्रेंड्स के माध्यम से भी या फिर कुछ ऐसे वेबसाइट है जो कि क्लेम करते हैं कि इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर आपकी डाउनलोड की स्पीड को 5 गुना 10 गुना या 20 गुना तक बढ़ा देती है। तो फ्रेंड्स, ये सारी जो बातें हैं वो सही नहीं है, ऐसा नहीं होता है। आपको स्पीड तो उतनी ही मिलेगी जितने के आपने प्लान लिया है अपने ISP से, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से। यहाँ पर बात किया जाए IDM की, तो हाँ, IDM में कुछ ऐसे बेहतरीन फीचर्स हैं जो जिसके माध्यम से ये आपको बेहतरीन एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाता है। इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर की बात करें तो जैसे कि हम कोई नॉर्मल ब्राउजर यूज़ करते हैं, जैसे कि मोजिला हो गया, फायरफॉक्स हो गया, क्रोम हो गया, आप सभी को पता है कि ये सब सॉफ्टवेयर के यूज इंटरनेट को ब्राउज करने के लिए, सर्फ करने के लिए किए जाते हैं। लेकिन डाउनलोडिंग का एक एड ऑन होता है जो कि हमें यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन मेन रूप से इसका काम है इंटरनेट को सर्फ करने के लिए, इंटरनेट की सर्फिंग करने के लिए, ब्राउज करने के लिए। और यहाँ पर इंटरनेट ब्राउजर है जो इसमें काफ़ी अच्छी फीचर्स मिलती हैं जिसमें कि हमारा डाउनलोडिंग काफ़ी एफिशिएंट हो जाता है। और इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जैसे कि आप अपने इसे डाउनलोडिंग को पाउज कर सकते हैं, इसे रिज्यूम कर सकते हैं और इसे कैटेगरी वाइज में भी कर सकते हैं। आप एक साथ मल्टीपल फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी जो सबसे मेन फीचर होती है, ये फाइल को टुकड़ों में बांट देता है। जब हमें लगता है कि ये बहुत टुकड़ों में फाइल को डाउनलोड कर रहा है और हमारी इंटरनेट की स्पीड को काफ़ी बढ़ा दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। यहाँ पर होता क्या है कि जब हम किसी सर्वर से फाइल को डाउनलोड के लिए रिक्वेस्ट देते हैं तो कुछ ऐसे वेबसाइट होते हैं जो कि मल्टीपल रिक्वेस्ट की परमिशन देते हैं और इसी चीज़ का फ़ायदा इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर उठाता है। यहाँ पर कुछ ISP होते हैं जो कि बैंडविड्थ लगाए होते हैं कि आप सिंगल कनेक्शन में इस स्पीड से ऊपर नहीं जा सकते हैं। तो अगर आप इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर तो इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर किसी भी फाइल को मल्टीपल कनेक्शन से रिक्वेस्ट डाल करके डाउनलोड करता है, तो यहाँ पर आप इस चीज़ से बच सकते हैं। तो ये भी एक फ़ायदा है इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर का। इसके अलावा जो यूट्यूब वगैरह पर जो एम्बेडेड वीडियो होते हैं या फिर ऑडियो होते हैं, उसे आप इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, IDM ऐसा चीज़ ही है कि इसके लिए, इसे क्रैक करने के लिए बहुत सारे सर्चेज आपको YouTube में, इंटरनेट पे मिलेंगे। तो इसे कैसे क्रैक किया जाता है ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आशा करते हैं आपको इस वीडियो से IDM के बारे में समझ में आ गया होगा कि IDM किस तरह से वर्क करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। और आप चाहते हैं कि इस तरह के बेहतरीन नॉलेज लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और हमारे इंस्टीट्यूट पर विजिट करें और हमारे डेमो क्लासेस को अटेंड करें, हमारा एडवांस लैब देखें। सेटिस्फाइड होते हैं तो यहाँ पर एडमिशन ले करके इस कोर्स को करें। तब तक के लिए थैंक यू।